हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करने वाले वाटर पोल्यूशन के बारे में। देखिए, वाटर पोल्यूशन के कारण ये ही होते हैं। वाटर पोल्यूशन जो है कैटेगराइज दो ग्रुप्स में बांटा गया, एक पॉइंट सोर्सेस, एक नॉन पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, और नॉन पॉइंट सोर्सेस को जो है ईजिली जो है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता और उसको कंट्रोल करने में भी दिक्कतें आती हैं। जो वाटर पॉल्यूशन होता है, जो ह्यूमन वेस्ट करता है और वो जाता है सीधे पानी में, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं। साथ साथ जितना भी सीवर और कचरे का जितना भी गंदा पानी होता है वो नदी के द्वारा जो है समुद्र में जाके मिलता है, और इससे भी पानी जो है मटमैला होता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ हो रही हैं। पॉल्यूशन फैलने से जो है पानी का कलर भी बदल जाता है। और वाटर पोल्यूशन के जो कारण है वो सबसे ज़्यादा है, वो है प्लास्टिक की वजह से, यानी कि प्लास्टिक और जो वेस्ट प्लास्टिक्स होती है उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन फैलता चला जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक को जलाया भी नहीं जा सकता, और जला भी दिया तो एनवायरनमेंट में जाके फैल जाता है और वो पोल्यूशन करता है। जो वाटर पोल्यूशन के मेन कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल फिशर्स और एनिमल हस्बेंड्रीज है, ऑयल एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ से। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो वो कचरा, जितना भी कचरा है वो पानी में जाके फैला रहे हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है जब वो पानी में जा रहा है। इसके अलावा जो गंदा तेल है और जो माइनिंग है वो भी पानी में जाके मिक्स हो रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। अच्छा, नेचुरल से क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, जितना भी वॉल्केनोस हैं और उसका जो लावा है, यानी कि उसका जितना भी लावा है वो पानी को जो है क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है और वो ह्यूमन को और जानवरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और साथ साथ जल जीवन को भी बर्बाद कर रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करने वाले वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपकी आपके घर से निकला हुआ ऑयल और रोटिंग शिपिंग, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन फैल रहा है पूरी तरीके से। इसके अलावा जो आपका वेस्ट वाटर होता है, चाहे सीवर से निकला हो चाहे वो नाली से निकला हो, और वो से जा करके फैल जाता है नदियों में, जिससे कि वेस्ट वाटर जो सही वाटर होता है उसको भी वो क्या करता है, ख़राब कर देता है, और वो आपके यूरिन में से और आपके यूरिन में और आपके फेफड़ों में जा करके काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो ये वेस्ट वाटर काफ़ी का पोल्यूटेड वाटर कर देता है। इसके अलावा जो है वाटर पोल्यूशन सबसे मेन कारण है इंडस्ट्रियल यूज़, यानी कि जो इंडस्ट्रियल से निकला हुआ केमिकल और उससे पोल्यूशन, घरों से निकला हुआ सीवर लाइन का वाटर और कचरे वाला पानी, और एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि से संबंधित, जो खेती से संबंधित जो मिट्टी वाला पानी होता है और उसमें जो केमिकल मिक्स होता है एग्रीकल्चर में, वो भी वाटर को पोल्यूट करता है, यानी कि दूषित करता है। इसके अलावा जो है वाटर पोल्यूशन भारत में इसके कासेस इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, उसका सोल्यूशन ना के बराबर है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बाढ़ के बारे में, यानी कि फ्लडिंग के बारे में। बाढ़ के आने से बहुत सारे लोगों के जो है मकान गिर जाती है, छत गिर जाती है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत और परेशानी आने लगती है, और ये सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी ऐसा होता है। बाढ़ एक नेचुरल इशू या प्रॉब्लम है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, यानी कि जब वाटर लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें जितने भी लोग होते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके घर मकान टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और उनकी बस्ती सर्वनाश हो जाती है। इसकी वजह से जो है लोग जो है अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट होने लगते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा आने पर जो बड़े बड़े पुल्स होते हैं वो भी टूट के बिखर जाते हैं, और जो गंदा पानी होता है वो घरों के अंदर घुस जाता है और बेकार कर देता है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी जाती हैं, और ऐसा होने पर जो है काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों में पॉवर्टी फैल जाती है, यानी कि गरीबी। बाढ़ का सलूशन सिर्फ इतना है कि अगर आप बाढ़ आए तो आप जितने भी ऊंचे एरिया से वहाँ पे आप चले जाएँ, जिससे कि आपको ये दिक्कत आगे ना आ सके, मतलब आप और ऐसे एरिया में रहिए जहाँ पे बाढ़ के खतरा कम से कम हो।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉसेस ऑफ फ्लडिंग के बारे में, यानी कि बाढ़ के कारण के बारे में बात करेंगे। आज हम आप सभी जानते हैं जो है बाढ़ के कारण जो है बहुत सारे घर जो है डूब जाते हैं और बहुत सारे घर जो है तबाह हो जाते हैं और लोगों की घर गृहस्थी जो है बर्बाद होने लगती है। तो यह ऐसे कारण जो है लोगों का रहना और जीना काफ़ी दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उनको उनके घरों में पानी भर जाता है काफ़ी अच्छे लेवल तक, जिससे उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन में निकलने बैठने में आने जाने में और उत्पादन में जो है मतलब जब जो उनका डेली का रोज़मर्रा के काम में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, और जिसके कारण जो है बहुत से लोग जो है पॉवर्टी के शिकार भी हो जाते हैं। तो फ्लडिंग एक बहुत ही भयानक कुदरत की मार होती है, यानी कि ये जो होता है वो नेचुरली होता है, आर्टिफिशियली नहीं है। फ्लडिंग की वजह से जो है फ्लडिंग कैसे होता है, ये जो डैम्स का जो पानी होता है यानी कि रिवर्स का जो पानी होता है, जब वाटर लेवल बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ने के बाद सरफेस एरिया से और ढलान से बिल्कुल नीचे की ओर आ जाता है, जो नीचे की ओर जो सिटीज़ होते हैं या विलेजेस होते हैं वहाँ पर जा करके पानी भर जाता है, स्टोर हो जाता है, उससे उस रीज़न को हम लोग फ्लडिंग बोलते हैं। जो कॉसेस ऑफ फ्लडिंग होती है, स्टेट ऑफ ग्राउंड होती हैं, ठीक है, ड्रेनेज होते हैं, कैचमेंट साइज होते हैं, अटेम्प्ट एट मैनेजमेंट होता है, लैंड यूज और वेजिटेशन हो गया, रिलीफ हो गया, और जियोलॉजी, ये होते हैं कॉसेस ऑफ फ्लडिंग। अब फ्लडिंग के बारे में तो हमने आपको बताया, फ्लडिंग ये इस प्रकार से जो है पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण बहुत सारी कारें डूब जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो कॉसेस ऑफ फ्लडिंग होती है दो प्रकार में होती है, यानी कि एक फिजिकल होती है, एक ह्यूमन होती है। फिजिकल क्या होते हैं, इंटेंस प्रिसिपिटेशन होती है, ठीक है, और ह्यूमन में क्या होता है, चेंजेस इन लैंड यूज, ठीक है। इसके अलावा जो है अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, पुअर डैम कंस्ट्रक्शन, पॉवर्टी। ह्यूमन में क्या होता है कि अगर वो जो लैंड को यानी कि जमीन को यूज़ करे उसमें बदलाव हो रहा हो, ठीक है, अगर मौसम बदल रहा हो यानी कि मौसम चेंज हो रहा हो, और जो डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है यानी पुल का कंस्ट्रक्शन किया गया वो बहुत पुअर यानी बहुत ही घटिया किया गया हो, तो इसकी वजह से जो है फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और फ्लडिंग जब प्रॉब्लम आती है तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी की भी स्थिति आ जाती है। अगर हम फिजिकल की बात करें तो लैंड स्लाइड्स हो गया, स्टॉर्म सर्जेस हो गया, वोल्केनिक हो गया, यानी कि अगर भवंडर आता है या टॉर्नेडो, जिसे टॉर्नेडो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उसकी वजह से जो है जो पानी का जो जमी हुई बर्फ होती है वो पानी में तब्दील हो जाती है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और वो पानी जो है वाटर लेवल बढ़ने के कारण जो है वो वाटर लेवल भर करके जो है सूखी सरफेस एरिया में आ जाता है, इसकी वजह से जो है फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्नो मेल्ट और आइस थॉ इसको बोलते हैं, तो मतलब जो बड़ी जमी हुई बर्फ़ होती है वो पानी में तब्दील होकर के नीचे वाले लेवल में भर जाती है, यानी कि वाटर लेवल ग्राउंड लेवल में जाके भर जाता है, इसे फ्लडिंग बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे वाटर सीप्स थ्रू सैचुरेटेड ग्राउंड और ग्राउंड वाटर लेवल राइज, यानी कि जो गहराई का जो पानी है, ठीक है, वो हैवी रेन के कारण जो है बढ़ जाता है, जिससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल का जो फ्लडिंग है, यानी कि जो घरों में जाकर के वो पानी जाके भर जाता है, और काफ़ी बाढ़ ऊंचा वाटर लेवल हद से ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो बाढ़ आने ये बाढ़ का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसका जो रेन हैवी रेन यानी कि मूसलाधार बारिश जिसे कह सकते हैं, और ग्राउंड लेवल राइज इसका मेन कारण होता है फ्लडिंग का। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे कि आपको हमारे आगे मिलने